दिल्ली हवाई अड्डे तो वापस पंजाब परतदे समय मलोर दे रहण वाले एक NRI परिवार उते हमला होण दी मंदभागी खबर सामने आ रही है। दरअसल ओ पानीपत नेड़े स्थित रात दे करीब 1 बजे एक ढाबे उते खाना खाण दे लई रुके होए सी, जिथे एक नौजवान ने उन्हां दा कार दा पीछा करन शुरू कर दिता अते फिर उन्हां दी कार रोकण दी भी कोशिश की, पर रब दा शुक्र है कि ओ वाल वाल बच गए। दिल्ली हवाई अड्डे तो वापस पंजाब आ रहे एक परिवार उते कुछ लुटेरियां ने तेज धार हथियारां दे नाल हमला करन दी कोशिश की। दरअसल दिल्ली तो निकलन मगरों ए NRI परिवार पानीपत जलंधर हाईवे उते स्थित मन्नत ढाबे ते खाना खाण दे लई रुकिया। रात दे करीब 1 बजे दा समा सी, इस मगरों उत्थों एक नौजवान ने उन्हां दी कार दा पीछा करना शुरू कर दिता। करीब 10 किलोमीटर जाण तो बाद उस नौजवान ने अपनी कार उन्हां दी कार दे अगे लगा दिती अते उन्हां नूं रुकण दा इशारा भी करन लग्या। जदों परिवार ने कार रोकण दी कोशिश कीती तां उह तुरंत बेसबॉल अते लोहे दी रोड दे नाल उन्हां दे पिछे आ गए। NRI परिवार ने किसे तरह अपनी कार पजा ली, पर हमलावरां दे वल्लों 10 तो 15 किलोमीटर तक उन्हां दा पिछा भी कीता गया। दोवें कारां करीब 100 दी स्पीड ते चल रहियां सी। तेज़ कार डिवाइडर ते चढ़ के पलट सकदी सी, पर ओह बच गए। इस संबंधी पंजाब दे समाज सेवी शिवजीत सिंह सांगा ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है, जिस दे विच उन्हां जिथे NRI दी बजुर्ग माँ दी तस्वीर शेयर की, उत्थे ही लिखिया ये बहुत जरूरी पोस्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट तो रात नूं इकल्ले कार दे विच पंजाब आउण वाले विदेशी NRI सावधान हो जाण। उन्हां अगे कहा कि कल करीब 12 बजे बजुर्ग माँ एयरपोर्ट उत्ते उतरी। जदों पिता अते माँ उत्थों निकले तां पिंड दे कुछ नौजवान उन्हां नूं लैण दे लई आए सी, जिन्हां दे नाल ओह पिंड दे लई निकले। मन्नत ढाबे ते खाणा खाधा, जिथों कुछ लुटेरे उन्हां दा पिछा करन लगे अते उन्हां उत्ते हमले दी कोशिश भी कीती। शिवजीत सिंह सांगा ने अपनी पोस्ट दे विच अगे लिखिया, कार विच पापा, माँ, ड्राइवर अते दूजा भरा सी, सारे मलोड दे रहण वाले ने, सारे सुरक्षित ने। पापा दूजियां दियां कारां रोकण दी जिद कर रहे सी। उन्होंने कार हाईवे दे पुल कोल रोकी क्योंकि हाईवे जाम सी। जदों उन्होंने उत्थों कार मोड़न दी कोशिश कीती तां उक्त हमलावरां ने बेसबॉल बैट दे नाल हमला कर दिता। उन्हां दे हमले तो लगदा है कि उह सिर्फ लुटना नहीं चाहुंदे सी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ। दस दईए कि इस मामले तो बाद NRI परिवार दे वल्लों मौके ते पुलिस नूं बुलाया गया अते पूरी घटना दी जानकारी दित्ती गई, पर देखना होवेगा कि पुलिस इस मामले दे विच की कारवाई करदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।